हेलो गाइस, मैं हूं मंगेश यादव और स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर टहनू। तो वीडियो आगे की काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज, अभी फाइनली हम लोग है ना महालक्ष्मी मंदिर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये महालक्ष्मी मंदिर का ही एरिया है और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पार्किंग में। ये रहा यहाँ का पार्किंग, जहाँ पे टू व्हीलर का पार्किंग चार्जेस कुछ 20 रुपये है और फोर व्हीलर का आपको 50 रुपये चार्ज देने पड़ते होंगे इसके लिए। तो अभी चलते हैं मंदिर के परिसर में, वहाँ पर क्या क्या शॉप्स है, खाने पीने के लिए क्या है, वो सारी चीज़ें हम दिखाएँ। तो गाइज, मंदिर की बात करें तो महाराष्ट्र में देवी महालक्ष्मी के 3 प्राचीन मंदिर हैं। एक कोल्हापुर का अंबाबाई मंदिर, दूसरा साउथ मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर और तीसरा डहानू की महालक्ष्मी। यह मंदिर सन 1306 में जवार के कोली राजा जयबा मुकने द्वारा बनाया गया था। यहां आने के लिए 2 तरीके हैं। पहला बाय रोड, जो मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे है, और दूसरा बाय ट्रेन। हाईवे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह मंदिर नेशनल हाईवे से लग के है, और बाय ट्रेन देखें तो यहाँ पे सबसे करीब स्टेशन है डहानू रोड। डहानू रोड से ये मंदिर बाय रोड 25 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको यहाँ आने के लिए इजीली ऑटो या फिर बस मिल जाएगी। यहाँ अगर स्टे की बात करें तो यहाँ आपको आसानी से लॉज और होटल्स मिल जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यह मंदिर हाईवे से लग के है। और अगर आपको कोई पूजा पाठ करवानी है तो सारी अरेंजमेंट मंदिर स्टाफ द्वारा हो जाती है। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड से लेके हर तरह का खाना मिल जाता है। मंदिर के आसपास काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से आपको पूजा पाठ, फैशन वेयर, टॉयस, फ्रूट्स सब मिल जाएंगे, अगर आपने अपने साथ कुछ कैरी करके नहीं आए हो तो। आस्था की बात करें तो प्रत्येक वर्ष खेत पहली फसल से इस मंदिर में देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। पितृ अमावस्या के दिन यहाँ आदिवासी मेला लगता है। यहाँ के सभी किसान अपने खेत में पैदा होने वाले धान, बाजरा, ककड़ी, गोभी सहित विविध प्रकार की सब्जियाँ तथा फल चढ़ाकर माँ की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि खेत की फसल अर्पित करने से उनके घर में सुख शांति तथा पैदावार में बरकत होगी। मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के एटमोसफेयर में काफ़ी शांति है। यहाँ महालक्ष्मी माता का गढ़ भी है, जहाँ मैं नहीं जा सका, लेकिन उसे मैं अगली वीडियो में कैप्चर ज़रूर करूँगा। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।